मोनीटरी पॉलिसी स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे मोनिट्री पॉलिसी इन द केंजियन आई एस एल एम फ्रेमवर्क सो द केंजियन एफ ई लाइन डिफर्स फ्राम द क्लासिकल मॉडल इन टू रिस्पेक्ट आई एस एल एम फ्रेमवर्क में आप जानते हैं हमारे पास तीन कर्ब्ज होते हैं आई एस कर्ब एल एम कर्ब और एफी लाइन तो सबसे पहले हम एफ ई लाइन पर बात कर रहे हैं कि हाओ एफी लाइन इन कैंजियन मॉडल इज़ इज़ डिफरेंट फ्राम द क्लासिकल मॉडल नंबर वन द केंद्रियन लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट अकर्स वेयर द एफिशिएंसी वेज लाइन इंटरसेक्ट्स द लेबर डिमांड कर ओके क्लासिकल मॉडल में तो लेबर मार्केट में क्लियरेंस कहाँ पर होती थी जब लेबर डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होते थे लेकिन केंद्रियन मॉडल में लेबर मार्किट कब इक्म में होगी जब एफिशियंसी वेज जो है वो लेबर डिमांड के इक्वल होगी तो वो एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटर्मन होगा सो so, एक तो ये डिफरेंट हो गया डिफरेंस हो गया क्लासिकल मॉडल से दूसरा फिर इसी की इम्प्लिकेशन ये है कि चेंजेस इन लेबर सप्लाई डोंट अफेक्ट द एफी लाइन इन द केंद्रियन मॉडल दे डू अफेक्ट इन द क्लासिकल मॉडल कि क्लासिकल मॉडल में तो अगर सप्लाई कर चेंज होता है तो वो आपके एम्प्लॉयमेंट लेवल को चेंज करता था लेकिन केंद्रियन में चूँकि सप्लाई का रोल नहीं है डिमांड का रोल है और आपकी एफिशिएंसी वेज का रोल है तो सप्लाई में चेंज होने से एम्प्लॉयमेंट लेवल चेंज नहीं होगा तो लाइन चेंज नहीं होगी ये बेसिक डिफरेंस है सो सेंस प्राइसेस आर स्टिकी इन द शॉर्ट टर्न इन द केंद्रियन मॉडल द प्राइस लेवल डजेंट एडजस्ट टू रेस्टोर जनरल इक्िपियम तो क्लासिकल में तो वो अब कहते थे कि इंस्टेंटली वो एडजस्टमेंट हो जाएगी और लेकिन केंद्रियन मॉडल में प्राइसेस स्टिकी हैं तो शॉर्ट टर्म में प्राइसेस एडजस्ट नहीं होगी सो इकानमी विल नॉट बी इन जनरल इक्लिब्रियम कैन दिए नजम दैट वेन नॉट इन जनरल इक्लिब्रियम द इकोनॉमी लाइज एट द इंटरसेशन ऑफ द आई एस एल एम करव एंड मे बी ऑफ द फिलइन तो जनरल इक्लिब्रियम नहीं है शॉर्टन में तो फिर क्या होगा शॉर्टन एक्लिब्रियम जो होगा वो वहाँ पर होगा जहाँ पर आई एस और एल एम करव एक दूसरे को इंटरसेकट करेंगे एंड इट इट मे नॉट बी ऑन द

चार्ज करती हैं तो इसलिए उनके लिए पॉसिबल होता है कि वो उसमें मार्जिनलीस में एडजस्टमेंट कर सकें सो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा एनालिसिस ऑफ एन इंक्रीज इन द नॉमिनल मनी सप्लाई पोस्ट नामिनल मनी सप्लाई में इंक्रीज होगा तो ये किस तरह से इफेक्ट होगी इसको हम डायग्राम से देखेंगे अभी एलम कर्व शिफ्ट हो जाएगा जब मनी सप्लाई में इजाफा होगा डाउनवर्ड तो इंटरसेक्शन पॉइंट चेंज हो जाएगा सो आउटपुट विल राइज एंड रियल इंटरेस्ट रेट विल फॉल फॉर्म्स ये अभी हम ये सारी चीज़ें डायग्राम से देखते हैं कि ये क्या कुछ होगा लेट्स सी ऑन दिस सपोज इनिशियली इकॉनमी यहाँ पर पॉइंट ई e पर स्टार्ट कर रही ठीक है जिस पर आपका शॉर्ट रन इक्परियम भी है और लॉन्ग रन इक्परियम भी है और तीनों कर्व्स इंटरसेक्ट आई एस एल एम और एफ ई लाइन तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओके सो मनी सप्लाई में इजाफा हो जाता है तो उससे क्या होगा एल एम करव जो है वो वो शिफ्ट हो जाएगा ये ब्लैक से ये एल एम टर्व जो है टू जो है ये रेड वाला हो जाएगा ठीक है आप जानते हैं मनी सप्लाई में इजाफ़े से एलम करव इस तरह से शिफ्ट हो जाता है तो अब एक पॉइंट जो है वो ई से एफ पर चला जाएगा शॉर्ट टर्न में जहाँ पर आई एस और एलम करव एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एफ़ पर क्या हो रहा है एफ पर इंटरेस्ट रेट में कमी बाकी होगी पहले से कम हो गए ठीक है और आउटपुट लेवल में इजाफा हो गया ओके इस इस आउटपुट लेवल में इजाफे की वजह से क्या हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट लेवल में इजाफ़ा हो जाएगा तो ये शॉर्ट टर्न में ये मनी सप्लाई में इजाफा जो है ये रियल वेरिएबल्स को इफ़ेक्ट कर रहा है आउटपुट बढ़ रही है एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रहा है रियल इंटरेस्ट रेट में कमी वाकई हो रही है और लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा लॉन्ग रन में तो प्राइसेस हमेशा के लिए तो फिक्स नहीं होंगी लॉन्ग रन में वो एडजस्ट कर जाएँगी प्राइसेस में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा क्यों इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा इसलिए कि फॉर्म जो हैं वो अपने नॉर्मल लेवल से हायर लेवल पर बहुत लंबे अरसे तक प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो वो प्राइसेस में इजाफा करेंगे जिसकी वजह से एलम कर दोबारा शिफ्ट करके एलम वन पर आ जाएगा और पहले वाले एक पॉइंट ई पर इकोनॉमी जनरल एक में आ जाएगी सो एनालिसिस ऑफ एन इंक्रीज इन द नामी मनी सप्लाई ईजी मनी सप्लाई इंक्रीज रियल मनी ईजी मनी सप्लाई इससे मुराद ये कि जब सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई में इजाफा कर देता है दिस इज़ कॉल्ड ईजी मनी सप्लाई सो काजिंग द रियल इंटरेस्ट रेट टू फॉल टू क्लियर द मनी मार्केट तो जब मनी सप्लाई में इजाफा होगा तो ऑब्वियसली किसी भी शहर की सप्लाई में इजाफे से उसकी प्राइस कम हो जाती है तो रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा लोअ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज़ कन्जम्पन एंड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट जब कम हो गया तो कन्जम्पन जो है ये बढ़ जाएगी इसलिए कि सेविंग लेस एट्रैक्टिव होगी और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम होगी है तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाएगा सो विध हायर डिमांड फॉर आउटपुट फॉर्म इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट सो so, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ रही है तो इसके नतीजे में एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो फार्म्स अपनी आउटपुट में इजाफा कर देंगे उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी और उससे एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो जाएगा सो इवेंचुअली फार्म रेज प्राइसिस द एलम का शिफ्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल लेवल एंड जनरल इक्ब्रियम इज रिस्टोर कि शॉर्ट टर्म में तो अभी जो बातें कि ये सब कुछ होगा लेकिन लॉन्ग रन में ऑब्वियसली दोबारा प्राइसिस में इजाफ़ा होकर मनी सप्लाई में जो नॉमिनल मनी सप्लाई में इजाफा हुआ था प्राइसेस में इजाफा उसको ऑफसेट कर देगा और एल एम कर पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा सो दस मनी इज़ न्यूट्रल इन द लॉन्ग रन बट नॉट इन द शॉर्ट रन सो लेकिन डिफरेंस ओबियसली यही है कि क्लासिकल तो कहते हैं कि शॉर्ट रन इज़ टू शार्ट सो इट इज़ इरेलीवेंट बट केन्स ये कहता है कि नहीं शॉर्ट रन जो है वो काफ़ी लंबा हो सकता है और इसकी जो इसलिए इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते Thank you very much.